तो उसके चक्कर में पड़ना है कि जिसने स्वयं कह रखा है कि मेरा तो चक्कर भी मत लगाना। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है, शंकर जी की होती है क्या? नहीं। शिव जी कहते हैं कि मेरे चक्कर में भी मत पड़ना, बस इतना याद रखना कि मैं जिस मस्ती में जीता हूं उस मस्ती में अपनी जिंदगी को जीना। कंठ में जहर है, मुख में राम का नाम है, सिर पर गंगा जी धरी है, पास में पार्वती गणेश कार्तिक के सब बैठे हुए हैं, ऐसी मस्त जिंदगी जीना। कंठ में रखना दुख और तकलीफ को, उजागर मत करना। अपने दुख को किसी को कह दोगे ना थोड़े दिन तक तो हाँ ठीक है, हम करेगा क्या जिसको कहोगे? किसी से अगर आपने दुख कह भी दिया तो करेगा क्या? तुम्हारे दुख को वो काट सकता है क्या? तो अपने कंठ तक दुख को रखो और इनको मत कहो, संसार वालों को। अपने दुख को कहना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से जाकर कहो कि मुझे दुख है, तू मुझे संभाल, अब कोई नहीं मेरा। उससे कहो, परिवार वालों से कहोगे अपना दुख, थोड़े दिन सुनेंगे, इस कान से सुना इस कान से निकाल देंगे, कर तो रहे हैं, टेबलेट दे तो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं, सारी तो जांच करवा ली, अब हम क्या करें, क्या हम मर जाएं? परिवार वालों से कहोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमने सब तो कर रहे हैं, आगे बढ़कर तुम्हारी बहू सेवा कर रही है, आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रोज डॉक्टर आ रहा है, इंजेक्शन लगाकर जा रहा है, ये कर रहे हैं, जांचें करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घर के लोग तो तुमसे इतना ही कहेंगे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। अब घर के लोगों से कहकर देख लिया ना तुमने अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट। अब एक बार मेरे बाबा से कहकर देखना, देवाधिदेव महादेव से कहकर देखना, शंभु ओघरदानी त्रिकाल। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ढाई अक्षर का कृष्ण या दो अक्षर का राम कहते हुए निकले। हम तुम पर बंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर रहो शंकर जी के, आप तो घूमते रहो, पर अपनी कीमत बरकरार रखना। मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठती है तो उसकी कीमत नहीं रहती, पर वो मक्खी सुनार के सोने की अंगूठी पर जाकर बैठती है और पलड़े पर तुला जाती है तो मक्खी भी तोले के भाव बिक जाती है। अपनी कीमत समझना, हर कहीं मत बैठ जाना, जाकर बैठना तो देवाधिदेव महादेव के पास जाकर बैठना, कीमतवान बन जाओ। तुम्हारी कीमत तुम्हें बनाना है, तुम्हारी कीमत तुम्हें बरकरार रखना है। गलत जगह पर जाकर बैठ जाना, कहीं का बाबा जोगी के हमारे पास आकर बैठो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये भगवती उड़ा देंगे, हम ये बेल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, और घूमना चालू कर दो और देना चालू कर दो। ऐसे फालतू जगहों पर जाकर मत बैठना, अपनी कीमत बरकरार रखना कि मैं कहूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव से कहूं, मेरे शंकर के पास जाकर बैठूं, शिव मंदिर में जाकर बैठूं, शंकर का अनुमोदन करूं। मंदिर भी नहीं जा सकती तो अपने घर में बैठकर उस शंकर का अनुमोदन करना चाहती हूं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से रोज निकल कर। गुरु जी ने जिंदगी जीने का बहुत ही आसान मंत्र बताया है, तो आप भी एक बार इस मंत्र को जरूर ट्राई करें, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।